यूपी के हाथरस जिले में फर्जी हॉस्पिटलों का बोलबाला। बिना लाइसेंस के संचालित हो रहे एक हॉस्पिटल सालिग्राम पर स्वास्थ्य विभाग की टीम और ज्वाइंट मजिस्ट्रेट प्रेम प्रकाश मीणा ने संयुक्त रूप से बड़ी कार्रवाई करते हुए हॉस्पिटल को सील करा दिया। आपको बता दें कि थाना हाथरस गेट क्षेत्र के अलीगढ़ रोड स्थित एक प्राइवेट हॉस्पिटल सालिग्राम पर स्वास्थ्य विभाग की टीम और ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने मिलकर छापामार कार्रवाई की। छापामार कार्रवाई के दौरान हॉस्पिटल संचालक से जरूरी दस्तावेज मांगे गए, लेकिन न दिखाने पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने हॉस्पिटल पर सील लगा दी और संचालकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए संबंधित थाना स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की कार्रवाई से झोला छाप डॉक्टर व फर्जी हॉस्पिटल संचालकों में भगदड़ सी मच गई। कहीं न कहीं जिले में यह अस्पताल जो बिना डिग्री और दस्तावेज के संचालित हो रहे हैं, इन सब के पीछे पूर्ण तरह से स्वास्थ्य विभाग ही जिम्मेदार है। नरेश कुमार की रिपोर्ट। सर जो आज आपने सालिग्राम जो हॉस्पिटल को सीज करने वाले हैं, सर क्या मामला है पूरा? सर देखिए, सालिग्राम हॉस्पिटल राम मंदिर रिसोर्ट के पास में है। इसकी कल शिकायत प्राप्त हुई थी कि इसको इलीगल तरीके से चल रहा है। उनके पास कोई लाइसेंस नहीं है, न ही कोई क्वालिफाइड डॉक्टर है, न ही फार्मेसी का लाइसेंस है, ना ओटी का लाइसेंस है। और इसके अलावा कल इन्होंने एक अवैध तरीके से एक कोरोना मरीज का ट्रीटमेंट किया है, जो कि जो नियमानुसार बिल्कुल ही कानून के विरुद्ध है। कोई भी अगर कोरोना पेशेंट है, उसको बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के और सक्षम अस्पताल में उसका इलाज नहीं किया जा सकता। नमस्कार, मैं हूं अंशु शर्मा और हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही बाकी वीडियो देखने के लिए देखते रहिए द इंडियन समाचार, और वीडियोस पसंद आने पर हमारे चैनल द इंडियन समाचार को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।